हेलो एवरीवन, वेलकम टू पहल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा था कि केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है। कोई भी आपके पास में एलिमेंट्स है जो पीरियोडिक टेबल में अपने इतने सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उनकी हमने केमिकल रिएक्टिविटी का ट्रेंड देखा कि अलॉन्ग द पीरियड यदि हम मूव करते हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है, और यदि हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या केमिकल रिएक्टिविटी का ट्रेंड होता है। हमने ये चीज़ें देखी थी, केमिकल रिएक्टिविटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, उनके फैक्टर्स हमने देख लिए थे। इसके अलावा हमने नॉन मेटेलिक करेक्टर के बारे में भी देखा था। नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होते हैं, पीरियड के अंदर यदि हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं, ग्रुप में यदि हम डाउन जाते हैं तो नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं। ये सब हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। ये हम पढ़ क्या रहे हैं, आपको याद होगा एक प्रीवियस वीडियोस में मैंने एक वीडियो में बताया था कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। फिर हमने देखा था एटॉमिक साइज, मेटेलिक करेक्टर, नॉन मेटेलिक करेक्टर, केमिकल रिएक्टिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये सब क्या है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है। और हमने कहा था, हमने देखा था कि इन सब प्रॉपर्टीज़ को हम एक एक करके क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं कि ये पीरियड के अंदर और ग्रुप के अंदर कैसे वेरी करती है, इनका ट्रेंड क्या होता है। क्या यही चीज़ हमने देखी थी, यही देखी थी। सो हम एटॉमिक साइज के बारे में भी पढ़ चुके हैं, उसका ट्रेंड भी हम देख चुके हैं, और मेटेलिक करेक्टर भी देख चुके हैं, नॉन मेटेलिक करेक्टर भी, और केमिकल रिएक्टिविटी भी हम क्या कर चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं। सो आज के वीडियो लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है, हमारी एक नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, और वो है आयनाइजेशन एनर्जी। जैसा कि आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है, आज का टॉपिक क्या है हमारा, आयनाइजेशन एनर्जी। हम आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इसका ट्रेंड, इसके फैक्टर्स, सब कुछ देखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरू करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। बात की जाए आयनाइजेशन एनर्जी की, तो आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। like जैसे हम सब में करते आ रहे हैं, एटॉमिक साइज में भी हमने देखा कि एटॉमिक साइज क्या होती है, उसी तरीके से हमें आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में भी देखना है कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। ओके, तो बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। आपके पास में कोई भी एक एटम प्रेजेंट है, ओके, उस एटम की, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्या कहा मैंने, आपके पास में कोई एक एटम प्रेजेंट है, उस एटम के आउटर मोस्ट शेल में क्या प्रेजेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। उस आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, एटम को, उस एलिमेंट को जितनी एनर्जी की नीड होती है, रिक्वायर होती है, उस एनर्जी को बोला जाता है क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी, या आयनाइजेशन एंथैल्पी भी हम उसे ही बोलते हैं, और आयनाइजेशन पोटेंशियल भी। तो क्या क्लियर हुआ, समझ आया आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। ओके, चलो देखते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। आपके पास में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक एटम प्रेजेंट है। ओके, क्या प्रेजेंट है, एक एटम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की नीड होगी, ओके, रिक्वायरमेंट होगी, उस एनर्जी को बोला जाता है आयनाइजेशन एनर्जी। अब इस आयनाइजेशन एनर्जी में एक बात ध्यान में रखने की है कि हम जो एलिमेंट लेते हैं, जो एटम लेते हैं, वो क्या होना चाहिए, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए ही डिफाइन की जाती है, और अदर एटम्स के लिए डिफाइन नहीं की जाती। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम क्या होता है। ओके, तो हम बात करें सबसे पहले न्यूट्रल, एटम न्यूट्रल होना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव या कोई भी नेगेटिव चार्ज कैरी नहीं होना चाहिए, तभी तो वो न्यूट्रल एटम है। ओके, आइसोलेटेड होना चाहिए और गैसियस होना चाहिए। गैसियस एटम का तो समझ गया कि उसकी स्टेट क्या होनी चाहिए, गैस होनी चाहिए, ठीक है, गैसियस फेज में होना चाहिए, और आइसोलेटेड होना चाहिए, मतलब अलोन, अकेला होना चाहिए वो एटम, किसी के भी साथ कंबाइन करे हुआ है
तो हम उसकी आयनेशन एनर्जी को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। कोई अकेला एटम है, लाइक मैं बात करूँ एग्जाम्पल सोडियम, ठीक है, सोडियम अकेला है, इसके लिए हम आयनेशन एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। बट यदि वही बात कर ली जाए NaCl, तो इसके लिए हम आयनेशन एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सिर्फ सोडियम के लिए हम आयनेशन एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या होना चाहिए? आइसोलेटेड गैसियस एटम आपके पास होना चाहिए। ओके, सो देख लेते हैं क्या होती है इसकी यूनिट होती है। ठीक है, ये एनर्जी है तो इसकी कोई ना कोई यूनिट होगी। इसकी यूनिट क्या होती है? किलो जूल पर मोल इसकी यूनिट होती है। ओके, चलो देखते हैं क्या है। आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी। हम आयनाइजेशन एनर्जी को ही पोटेंशियल भी बोलते हैं और एंथैल्पी भी बोलते हैं। ओके, देखो, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम एंड कन्वर्ट इट इंटू ए पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। कोई भी एटम है, न्यूट्रल एटम है, वो कब पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट होगा? जब उससे हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। हमने देखा है कैटायन कब बनता है, जब हम कोई भी आपके पास में एटम या एलिमेंट प्रेजेंट है उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, तो वो कैटायन में कन्वर्ट होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट होता है। तो पॉजिटिव चार्ज कब बनेगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन कब बनेगा? जब आप किसी न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो, और वो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, गॉट इट? आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अब आयनाइजेशन एनर्जी की वो क्या होती है यूनिट? तो अभी जस्ट हमने देखा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और किलो जूल पर मोल इसकी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी की यूनिट होती है। देखो, यूनिट देखनी है हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, एंड ऐसा यूनिट इज किलो जूल पर मोल आयनाइजेशन एनर्जी की। ओके, यूनिट के बारे में पता होना चाहिए। जब भी आप निकालते हो, डिफाइन करते हो, तो यूनिट लिखना नेसेसरी है। ओके, अब देखते हैं डिपेंड्स। जैसे हम एटॉमिक साइज, मेटेलिक करेक्टर, जितनी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में, क्या हमने उसकी डेफिनेशन, मतलब वो क्या है, एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ा कि वो क्या होती है, उसकी डेफिनेशन देखने के बाद में क्या हमने देखा था कि वो किस पे डिपेंड करती है। ओके, उसी तरीके से हमें आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में भी पता होना चाहिए कि आयनाइजेशन एनर्जी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। यदि हम इसकी डिपेंडेंसी निकाल लेते हैं, तो क्या हम इसका ट्रेंड पीरियड के अंदर और ग्रुप के अंदर बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे, इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं डिपेंडेंसी। देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो यदि बात की जाए आयनाइजेशन एनर्जी की, तो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वन इज एटॉमिक साइज एंड सेकंड वन इज न्यूक्लियर चार्ज। ओके, क्या आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है? आयनाइजेशन एनर्जी किन पे डिपेंड करती है? एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करती है। ठीक है, हमें पता चल गया कि आयनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करती है, बट कैसे? अब ये भी तो पता होना चाहिए कि आयनाइजेशन एनर्जी इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड कैसे होती है। किसको हम इंक्रीज करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, किसको डिक्रीज करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, ये हमें पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम यही देखने वाले हैं। फर्स्ट हम देखेंगे एटॉमिक साइज पे डिपेंड कैसे करती है आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। यदि बात करें एटॉमिक साइज की, तो मैं हर एक वीडियो लेक्चर में यही बताती हूँ आपको कि एटॉमिक साइज क्या है क्या है क्या है, उस पर ये डिपेंड करता है। क्योंकि यदि आप प्रीवियस वीडियोस में जाओगे और उन्हें देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि एटॉमिक साइज मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाई थी। इसीलिए पढ़ाई थी क्योंकि और जो पीरियडिक प्रॉपर्टीज है अपनी, लाइक मेटेलिक करेक्टर हो गए, नॉन मेटेलिक करेक्टर हो गए, केमिकल रिएक्टिविटी हो गई, ये सब चीज़ें दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एटॉमिक साइज न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक साइज न्यूक्लियर चार्ज। इसीलिए हमने सबसे पहले एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज के बारे में ही पढ़ा था। यदि आपको पता है एटॉमिक साइज क्या है, ठीक है, वो कैसे डिपेंड करती है, न्यूक्लियर चार्ज क्या है, तो आप इन पर डिपेंड, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी है वो इन पर कैसे डिपेंड करती है, इजीली बता सकते हो। ओके, सो हम देख लेते हैं एटॉमिक साइज के बारे में। एटॉमिक साइज फिर से बता देती हूँ क्या होता है। आई होप आप सब लोगों ने आंसर दे दिया होगा। न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की जो डिस्टेंस होती है, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक साइज। ओके, तो आप देखो यदि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो
तो बताओ, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी को इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए? देख लेते हैं। सपोज आपके पास में ये एक एटम है, छोटा है, और दूसरा जो एटम है वो इससे थोड़ा सा बड़ा है। ओके, फर्स्ट एटम, सेकेंड एटम। जो फर्स्ट एटम है उसकी एटॉमिक साइज छोटी है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो न्यूक्लियस है उसका अट्रैक्शन फोर्स इन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उन पे ज़्यादा लग रहा होगा। क्या अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लग रहा है इन पे? यदि इन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है तो ये जो न्यूक्लियस है वो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करके रखेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ईजी नहीं है, हम इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिमूव नहीं कर सकते हैं। और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की नीड होती है उसे ही आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से अट्रैक्ट न्यूक्लियस से कि निकालने में हमें ज़्यादा एनर्जी की नीड है, तो एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसका मतलब साइज छोटी है तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, समझ आया? और यही यदि हम सेकेंड एटम की बात करते हैं तो इसकी साइज थोड़ी बड़ी है एज कम्पेयर टू फर्स्ट एटम। साइज बड़ी है तो जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उस पे इसका अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। अट्रैक्शन फोर्स यदि कम है तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन इजीली निकल सकता है, इलेक्ट्रॉन इजीली निकल सकता है तो हमें उतनी ज़्यादा एनर्जी देने की नीड नहीं है जितनी हमने पहले वाले एटम में दी थी। ओके, तो एनर्जी कम हो गई तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो क्या समझ आया यहाँ पे कि जब हम एटॉमिक साइज को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज ही तो होगी, देखो सेकेंड एटम में एटॉमिक साइज इंक्रीज कर दी तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम हो गया। और यदि अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन फ्री है, अट्रैक्शन कम है तो इजीली निकल सकता है, इजीली निकल सकता है तो हमें एनर्जी कम देनी पड़ेगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी अपने आप कम हो गई। क्या समझ आया कि आयनाइजेशन एनर्जी है वो एटॉमिक साइज पर कैसे डिपेंड करती है? ओके, चलो देखते हैं। एटॉमिक साइज, द ग्रेटर द एटॉमिक साइज द लेसर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एटॉमिक साइज जितनी ज़्यादा, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम। ओके, पता है ये सब चीजें तो हम प्रीवियस लेक्चर से ही पढ़ते आ रहे हैं। ओके, आगे चलो। सिंस द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर मोस्ट शेल लाई फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस दस मेक देयर रिमूवल इजियर, दैट इज द आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड लेस। तो समझ आ गया, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। क्या रीजन क्लियर है? हम समझ चुके हैं कि ऐसा क्यों होगा, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं और देखते हैं सेकेंड फैक्टर, वो क्या था, न्यूक्लियर चार्ज। ओके, न्यूक्लियर चार्ज पे कैसे डिपेंड करती है? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज। यदि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज तो इसका मतलब न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन इंक्रीज, वो इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली बाइंड करके रखेंगे तो हमें उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। अब जब एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी तो इसका मतलब, यस बिल्कुल राइट, आप सही सोच रहे हो, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। रीजन समझ में आया, चार्ज बढ़ रहा है अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन इतना मजबूती से जुड़ा हुआ है कि उसको बाहर निकालने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। अब एनर्जी ज़्यादा दी इसका मतलब हमने क्या ज़्यादा दी है, आयनाइजेशन एनर्जी। सो क्या क्लियर हो गया सबको कि न्यूक्लियर चार्ज पे कैसे डिपेंड करता है? देखें, चलो देख लेते हैं। द ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर इज द अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर मोस्ट शेल, देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल आर मोर फर्मली हील्ड बिकॉज ऑफ विच ग्रेटर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स। क्या एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज का फैक्टर क्लियर है? समझ आ गया इन दोनों फैक्टर्स पे आयनाइजेशन एनर्जी कैसे डिपेंड करती है? आई होप क्लियर हो गया होगा। बस इसके लिए आपको पता होना चाहिए एटॉमिक साइज क्या है, ठीक है, फिर आप खुद ही वेरी करके देख सकते हो कि हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कम करेंगे तो क्या होगा। और न्यूक्लियर चार्ज के बारे में पता होना चाहिए, जो मुझे लगता है आप सबको पता है क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। ओके,
आगे चलते हैं और देखते हैं ट्रेंड्स। जब हम फैक्टर देख चुके हैं तो अब अपना आगे वाला टॉपिक क्या आता है, ट्रेंड ही देखेंगे कि हम पीरियड में लेफ्ट राइट जाएंगे तो क्या होगा और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा। चलो देखते हैं, ट्रेंड्स इन आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट हम देखने वाले हैं डाउन द ग्रुप। चलो यदि हम डाउन द ग्रुप चाहते हैं तो सबसे पहला फैक्टर आपके दिमाग में क्या आता है, डाउन द ग्रुप चाहते हैं तो क्या वेरिएशन होता है? क्या सबके दिमाग में एक ही चीज़ आई कि एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है? हमने देख रखा है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीज है। ओके, अब जब एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है तो जस्ट अभी हम देख के आ रहे हैं कि जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। पता चला कैसे होगी? देखो क्या हो रहा है, हम ये ग्रुप आपका फर्स्ट, उसमें हम ग्रुप में डाउन जा रहे हैं। जैसे जैसे डाउन जा रहे हैं क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज क्यों हो रही है आप सबको पता है, बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो गए। पहले में ये है, सेकेंड एटम में दो आ गई, फिर थर्ड में तीन आ जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है क्या? बिल्कुल इंक्रीज हो रही है। एटॉमिक साइज इंक्रीज तो जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर अट्रैक्शन फोर्स कम, अट्रैक्शन फोर्स कम तो इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी, इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी मतलब एनर्जी कम देनी पड़ेगी, कम एनर्जी में ही वो इजीली निकल जाएगा क्योंकि अट्रैक्शन क्या है, कम है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। और अभी थोड़ी देर पहले देखा है कि जब भी एटॉमिक साइज बढ़ेगी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में डाउन जाते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज एंड आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। ओके, समझ आया, क्लियर हुआ? चलो देखते हैं क्या लिखे हुआ है। डाउन है ग्रुप, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज एज वी मूव डाउन द ग्रुप बिकॉज व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीजेज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीजेज। This leads to a decreased force of attraction between the nucleus and it become easier to remove the electrons. तो क्या क्लियर है, समझ आ गया? जो भी मैंने आपको अभी समझाया है वही यहाँ पे लिखे हुआ भी है। ठीक है, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो कैसे अफेक्ट पड़ेगी, कैसे वेरी करेगी आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, क्या सबको क्लियर है यहाँ तक? अब हम पीरियड में चल सकते हैं तो देखते हैं पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करती है। अब ये आप खुद बता सकते हो, पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज। ओके, देखा था हमने पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज कम होगी। रीजन मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, आई होप आप सब लोगों को पता होगा कि एटॉमिक साइज यदि हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कम होती है। एटॉमिक साइज कम तो मतलब न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस पर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को हम इजीली नहीं निकाल सकते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और वो ज़्यादा एनर्जी मतलब हमने आयनाइजेशन एनर्जी क्या दी, ज़्यादा दी, इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो क्या समझ आया, पीरियड में यदि हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। बट यहाँ पे आते हैं कुछ एक्सेप्शन, जो अभी आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि हाँ ये एक्सेप्शन है, इसकी इससे ज़्यादा होती है। ओके, अब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एक्सेप्शंस तो हमें पढ़ने ही पड़ेंगे। ओके, एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमें एक्सेप्शंस को। ओके, तो जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नो डाउट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, रीज़न हम देख चुके हैं। क्या करेंगे, जब भी हम पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। व्हाई? बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीज। ओके, लेकिन मैंने अभी बताया एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मतलब होनी तो इंक्रीज चाहिए, ठीक है, बट हो जाती है क्या कम, किसी की ज़्यादा, मतलब एक्सेप्शन आता है, अलग से वेरिएशंस आते हैं। इसका रीज़न हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, मतलब जब अपन 11th क्लास में आएंगे तो पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है इसका रीज़न। अभी के लिए सिर्फ आपको इनको एक्सेप्शन मान के क्या करना है, ध्यान में रखना है। ओके, चलो देख लेते हैं क्या है, कौन से एक्सेप्शन्स हैं।
Across a period, the ionization energy tends to increase as ions move from left to right across a period with exception. इसीलिए with exception मैंने यहाँ पे mention किया है. Okay, आगे देखो. Because atomic size decreases due to increase in nuclear charge. ये सब मैं already बता चुकी हूँ आपको. And the small energy required to remove the electrons. ये सब आई होप सबको क्लियर होगा. अब देखते हैं हम एक्सेप्शन के बाद. देखो ये सारे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं. लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन. ओके, आपको नजर आ रहा होगा एक तो बेरिलियम पे स्टार बना रखा है मैंने और एक किस पे बना रखा है, नाइट्रोजन पे. रीजन, क्योंकि इनकी जो आपको आयनेशन एनर्जी नजर आ रही है वो थोड़ी एक्सेप्शन है उनमें. ओके, देखो कैसे होना तो क्या चाहिए, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए. देख लेते हो रही है क्या. लिथियम की 520, बेरिलियम की 899, बिल्कुल इंक्रीज हो रही है. लेकिन बोरोन की 801, दैट्स मीन बेरिलियम से ज़्यादा किसकी होनी चाहिए थी, बोरोन की, लेकिन होती किसकी ज़्यादा है, बेरिलियम की. ओके, इसका रीजन हम 11th क्लास में पढ़ेंगे जब पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ेंगे. अभी आपको इसको एक्सेप्शन समझना है. होता है एक्सेप्शन ही, बट इसका कुछ रीज़न भी है. ठीक है, रीजन हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकालते हैं. फुल फील्ड और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक कंसेप्ट आता है. ओके, वो हम हायर क्लास में पढ़ेंगे. अभी के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान रखोगे ये एक्सेप्शन है. ओके, तो होनी तो बोरोन की ज़्यादा चाहिए थी लेकिन होती बेरिलियम की है. ओके, क्योंकि इसका फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है. देखा, आपको पता है 1s2 2s2 होता है बेरिलियम का, तो ये 2s2 क्या फुल फील्ड है, इसलिए इसका क्या हो जाता है, हाई होता है. बाकी हम डिटेल में रीजन 11th क्लास में देखेंगे. वहीं पे आप कार्बन, चलो ठीक है, बोरोन की कार्बन से ज़्यादा है, नाइट्रोजन की भी ज़्यादा है, बट ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में आपको वेरिएशन दिखेगा. ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए नाइट्रोजन से, बट ऐसा नहीं होता है. किसकी ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से, जो आपको क्लियर नज़र आ रही होगी. ओके, अब ऐसा क्यों है, ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन का है. ठीक है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है वो मोर स्टेबल होता है. जैसे आपने देखा होगा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, यदि कॉन्फ़िगरेशन फिल करोगे तो 1s2, 2s2, 2p3. उसी की तरह ऑक्सीजन में क्या आ जाता है, 2p4 आ जाता है. ओके, तो 3 होता है वो हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो मोर स्टेबल होता है. ठीक है, अच्छे से रीजन में बार बार बोल रही हूँ, 11th क्लास में देखेंगे. अभी के लिए आप सिर्फ ध्यान रखो एक्सेप्शन का. ओके, तो नाइट्रोजन की हमेशा ज़्यादा होगी ऑक्सीजन से, फिर ऑक्सीजन से ज़्यादा फ्लोरीन की होने वाली है और नियोन की तो सबसे ज़्यादा होगी ही होगी. ओके, समझ आ गया है, अच्छे से क्लियर हुआ सबको. नियोन की सबसे ज़्यादा होती है, लेफ्ट राइट जा रहे हैं तो इंक्रीज होगी, वो सब आपको पता है. ओके, जस्ट हम पढ़ चुके हैं. तो क्या क्लियर हुआ, यदि पीरियड में लेफ्ट राइट जाते हैं तो साइज कैसे वेरी करेगी. ठीक है, साइज का हमें पता है तो हम आयनाइजेशन एनर्जी इजीली निकाल सकते हैं. डाउन द ग्रुप भी देख लिया है हमने. अब यहाँ पे आपको एक नोट नजर आ रहा होगा. नोट क्या है, हीलियम विल हैव द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी. हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी होती है हाईएस्ट होती है, बिकॉज हीलियम साइज में भी छोटा होता है और इसकी आउटर मोस्ट शेल होती है वो फुल फिल्ड होती है. मतलब ना तो इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए और ना ही ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, बिकॉज इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. स्टेबिलिटी के बारे में मैं ऑलरेडी आपको कई बार बता चुकी हूँ कि कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एटम है, वो क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है. स्टेबल होने के लिए ही वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है और शेयरिंग करता है. ओके, लेकिन यदि कोई ऑलरेडी स्टेबल है तो आप उससे इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हो तो वो क्या ऐसा होने देगा, नहीं, वो इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने देगा. उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. ओके, इसलिए हीलियम की एनर्जी क्या होती है, हाईएस्ट होती है, क्योंकि हीलियम क्या है, छोटा भी है और इसका कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल भी होता है, मतलब स्टेबल भी है. 1s2 होता है हीलियम का. तो क्या क्लियर हुआ सबको. आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है उसकी यूनिट्स के बारे में देख लिया है और हमने उसका ट्रेंड देख लिया है कि यदि हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं और ग्रुप में डाउन जाते हैं तो उसका क्या ट्रेंड होता है. क्या यहाँ तक सबको समझ आ गया है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा. फिर भी यदि इस पोर्शन में किसी को डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें. तब तक अपना ख्याल रखिए. थैंक यू.